मेरा उल्लास, मेरा उल्लास, मेरा उल्लास, मेरा उल्लास। धर्म और संस्कृति से बना अपना ये समाज, संतों की कृपा से बढ़ा आस्था विश्वास, व्यापार उद्योग ने किया एक नया आगाज, इसलिए ये शहर है बना दुनिया भर में खास। मेरा उल्लास, मेरा उल्लास, मेरा उल्लास, मेरा उल्लास। शहर से जुड़ी हर खबर में देंगे आपका साथ, प्रशासन तक पहुंचाएंगे आपकी आवाज, एकता भाईचारे का हो सदा एहसास, हम सब मिलके करेंगे शहर का विकास। मेरा उल्लास, 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 मेरा उल्लास। आपकी जुबान हमारी आवाज, देखते रहिए मेरा उल्लास। नमस्कार, मेरा उल्लास टीवी न्यूज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपकी होस्ट रिद्धि आसवानी। मेरा उल्लास यानी हमारा शहर उल्लासनगर, क्या है इसकी गतिविधियां, क्या है इसके घटनाक्रम, आइए देखते हैं मेरा उल्लास में। आपकी जुबान हमारी आवाज, देखते रहिए मेरा उल्लास। उल्लासनगर कैंप 4 में स्थित मरापुरम गोल्ड लोन फाइनेंस कंपनी के कार्यालय में कुछ अज्ञात चोरों ने घुसकर लाखों रुपए का सोना चोरी कर लिया। यह मामला विठलवाड़ी पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया है और आगे की जांच जारी है। दिल्ली, राजकोट, अहमदाबाद, मुंबई और अन्य शहरों के बाद हमारे शहर उल्लासनगर में भी एक सनसनीखेज वारदात हुई है। उल्लासनगर कैंप 4 में मणपुरम गोल्ड लोन फाइनेंस कंपनी के दफ्तर में घुसकर कुछ अज्ञात चोरों ने 30 किलो से ज्यादा सोना चुरा लिया है। ये एक बहुत ही सनसनीखेज वारदात है जो उल्लासनगर में घटी है। बताते हैं कि रविवार रात और सोमवार सुबह के दरमियान अज्ञात चोरों ने गैस कटर से दरवाजा तोड़ दिया और अंदर घुसकर तिजोरी खोलकर वहां से सोना चुरा लिया। विठलवाड़ी पुलिस थाने में यह मामला दर्ज किया गया है। मौकाए वारदात की खबर पाते ही यहां पर पुलिस विभाग के उच्च अधिकारी आकर पहुंचे, जिन्होंने मुआयना किया, पंचनामा किया और मामला दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। लेकिन इस वारदात से बहुत सारे लोग सकते में आ गए हैं, जिन्होंने इस कंपनी में अपना घर का सोना जमा कराया था, तो काफी लोग दुखद हालत में मिले, जिन्होंने बताया कि किस तरह गरीब परिवारों ने सोना जोड़ जोड़ कर इस फाइनेंस कंपनी में डिपॉजिट कराया था। पुलिस विभाग हालांकि इस मामले की जांच कर रहा है, लेकिन बताया जाता है कि इस फाइनेंस कंपनी का पुराना चौकीदार छुट्टी पर गया हुआ है और नया चौकीदार गायब है, तो पुलिस लगातार इस फाइनेंस कंपनी के अधिकारियों कर्मचारियों से बातचीत कर रही है ताकि उन्हें सुराग मिल सके कि आखिरकार कौन है इस वारदात के पीछे, कौन है वो जिम्मेदार चोर जिन्होंने यहाँ पर इतनी बड़ी वारदात को अंजाम दिया है। इस चोरी की घटना से वे लोग सकते में आ गए हैं जिन्होंने अपना सोना इस फाइनेंस कंपनी में जमा कराया था। आइए सुनते हैं इन प्रभावित लोगों की पीड़ा। ये जो चोरी हुई है ये मेरे ख्याल से कल आज सुबह सुबह हुई है और यहाँ पे जो जमे हुए हैं, यहाँ पे पुलिस अपना काम कर रही है, उससे अलावा जिन्होंने यहाँ पे सोना रखा हुआ है उनका सोने का अभी क्या होने वाला है, यहाँ पे ना बैंक मैनेजर कुछ बता पा रहा है, जो वर्कर यहाँ पे काम कर रहे हैं वो कोई भी हमको बाइती नहीं दे पा रहे हैं। तो हमारा ये कहना है कि हमने जो सोना रखा हुआ है वो हमें वापस कैसा मिलेगा, उसका रिफंडेबल कैसा होगा, उन्होंने वो जल्द से जल्द हमें बताना चाहिए। नहीं नहीं नहीं, अंदाजे नहीं बोल सकते क्योंकि सबके अलग अलग प्रकार का सोना है, किसी का 10 तोला है, किसी का 5 तोला है, किसी का 3 तोला है, किसी का 1 तोला भी है, तो ये रिफंडेबल कैसे करेंगे पहले उन्होंने यही हमको बताना चाहिए। मेरा नाम खिराजी रंगना टपाल है, मेरा 25 ग्राम सोना रखा हुआ है मेरे औरत का गले में का, और उसका हर महीना ब्याज भरता है, और अभी ये क्या होगा इसके लिए तो अभी
आपको बताने से। अभी ये ब्याज तो मैं डेढ़ टका, कभी एक टका, सवा टका ऐसा रहता है, जैसा गोल्ड रहता है ऐसा हिसाब से ब्याज रहता है। दीड तोड़ाच एक है गड़ियातला, अड़ीस पावने दोन तोड़ाच एक है, आणि चैन है एक है, पावने तोड़ाची चैन। कब से रखा था और कितने पैसे में रखा था? आता 5-6 महीने झाले, यानी एकाला आता ठेवले 2 महीने झाले। कितने पैसे में रखा था? 30-30 हजार। एक एक दिन का ब्याज हमसे लिया है, चक्री ब्याज, चक्री ब्याज, चक्री ब्याज, एक दिन में लेट होगा 200 रुपए एक्स्ट्रा इधर। अभी हमारा सोने का पीरियड क्या है? मेरा 6 तोला है, सचिन शिवाजी दिवटे। इस बारे में हमने फाइनेंस कंपनी से बातचीत की, आइए देखते हैं क्या कहना है उनका। पुलिस केस हुआ है, अभी थोड़ा टाइम थोड़ा रुको, ये पुलिस का होने के बाद आपको जो भी सोल्यूशन है वो हम बता देंगे। और जितना आपका रिसिप्ट पे जो वेट है ना, उतना वेट का वैल्यू या तो आपको गोल्ड उसका जैसा गोल्ड आपको मिलेगा। लेकिन सोना पूरा गया है यहाँ से? सोना पूरा गया है यहाँ से? मुझे ये बताओ आप पहला, आपका सिक्योरिटी क्या है? बैंक का सिक्योरिटी क्या है? बैंक इन फुल्ली इंश्योर्ड। क्या 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 फुल्ली इंश्योर्ड क्या है? कस्टमर को सुबह ने जो आ रहा है अभी आप अभी 399 वाला दिखा रहा है, मतलब क्या है? बैंक का सिक्योरिटी क्या है? आदमी यहाँ पर पब्लिक आप यहाँ पर पैसा रखेगा, अपना सोना खुद रखेगा, किसके लिए क्या भरोसा रहेगा? आपकी जुबान हमारी आवाज, देखते रहिए मेरा उल्लास। कैंप क्रमांक 3 के विभिन्न हिस्सों में पानी की विकट समस्या है। यहाँ के लोगों ने कई बार मनपा प्रशासन और नगर सेवक से शिकायत की है, लेकिन ना तो इन लोगों को पर्याप्त पानी मिल रहा, ना ही कचरे और गंदगी से छुटकारा। आइए देखते हैं किस तरह लोग अपने दर्द को बयान कर रहे हैं। पानी एक बूंद भी नहीं थी जैसा घर मैंने सही सही लाइन भरे में नहीं थी जेबे पानी डाली तकलीफ आने करे मेहरबानी करे कुछ करे पानी लाए तो ता यो ता वार्ड कॉर्पोरेटर छतो करे असा वार्ड कॉर्पोरेटर कुछ अज दे कुछ भी कोने कहे दे आने वोट जे चेंज कुछ पेरे जडी खान जीत थी तो सुन का आयो किथे असा वट एक दी ना आयो वा भाई शाह ता जे केडी तकलीफ है भाई शाह प्रॉब्लम आ मुखे बुधायो ऑफिस में वने त बस आ मा अचा तो आयो ना आया ने ताई के जाम माना प्यार सा सुठी तरह गल चाहे अचा तो तुम ये चो काथे गल प्यार सा काथे गल गुस्से से ही गल नी बस चवंदुस आशा काथे आयो सफाई ला छा चो सफाई तो पूरी गंदगी लगी पई आ काथे आ सफाई सफाई ऐसा है गंद लगो पियो आ पोया चैंबर किन्ना लगा पिया इन तो मुका एता मुकादम छातो करे छातो करे कुछ भी ना तो करे कुछ भी ना तो करे मुकादम मुकादम पैसा था घुरन मुकादम तो असागा बैरक नंबर 944 के सामने पानी आता ही नहीं है, एक दिन आता है, चार दिन नहीं आता है। और दूसरा कचरों का और उसका अभी आप देखो ना कचरे का मुंह भी निकालो, दो कचरा पड़ा है कि नहीं पड़ा है? हाँ हमारे घर के सामने ही है। आपने कोई कंप्लेंट किया है? कंप्लेंट करो तो किधर आते किधर है? मैं राजेश पंजानी, बैरक नंबर 942 पैनल नंबर 24A जो को हाँ पैनल नंबर 11 थे वो है उतना मैं गलाया तो उन एरिया में तो गलाया इतने कारण माना कुछ टाइम का न कोई आयो आ न के दिसण आयो न हाल पचा दिसण खाली वोटिंग के टाइम से खाली मानू अचन था वोट वठण अचन था बस हथ जोड़े का वोट वठी था वन ए कुछ कम कर ना अस नाली चैम्बर जो दिठा है वो ओड़ा जो ओड़ा लगा पायान इतने ये किचड़ो जो है वो उत जो उत ही लगो पे उनके के ध्यान झाड़ो ना है मानू के चवन था साफ करण लाइ सिर्फ चंदा पैसा जो तो अस साफ कंदी न तो न कंदी सेक्शन 21 बैरक नंबर 942 म्हणजे नेहमी समस्यांनी ग्रासलेले सगळ्या समस्या आहेत इथे कचरा पाणी कुठले म्हणजे कुठलीही सोय नाही आहे इथे पाणी तर कंटिन्युअसली एक वर्ष सातत्याने आम्ही सगळ्या इथले जे स्थानिक कार्यकर्ते आहेत वेगवेगळ्या पक्षाचे त्यांच्याशी कॉन्टॅक्ट करून सुद्धा वर्ष काय मला वाटते 1.5 वर्ष होत आली अजूनही पाणी सगळे बॅरेकवासीय तेवढ्याच तीव्रतेने फेस करत आहेत त्यानंतर कचऱ्याची समस्या तर असं वाटतं की म्हणजे सतत इथे काहीतरी रोगराईच पसरलेली आहे आणि पाणी इतकं म्हणजे ॲडव्हान्स टेक्नॉलॉजी येऊन पण पाणी सप्लायची जी पद्धत आहे ती म्हणजे फक्त असं वाटतं की इथं काहीतरी पाईपांचं जाळंच पसरलं आहे की काय
सतत आम्ही म्हणजे सतत कंटिन्युअसली सगळे नगरवासी सगळ्यांशी कॉन्टॅक्ट करतो. कुठल्याही स्थानिक कार्यकर्ता येऊन इथे कुठेही कुणीही बघत नाही आहे. मी स्वतः इथे 6 वर्ष झालेली आहे, उल्हासनगरला लग्न करून आलेली आहे, पण मला अजूनही माहिती नाही की इथे कोणत्या पक्षाचा कोणता कार्यकर्ता इथे काम करतो ते. 2 साल से पाणी की तकलीफ आहे हमको. 10 मिनिट पाणी आता है पहिले, 10 मिनिट पीछे. 10 मिनिट में क्या भरे और क्या नहीं भरे. बाहर भर भर के हम लोग तंग हो गए. पैरों में हाथों में दर्द होने लगा. वो भी बोरिंग का पानी कभी देते हैं कभी नहीं देते हैं, तो कहाँ से इंसान चलेगा. सफाई तो छोड़ो, लेकिन पानी मेन प्रॉब्लम पानी के है ना. पीने का बाहर से कितना भरेगे पानी, बोरिंग का भी कितना भरेगे. हमारे उल्लासनगर 3 नंबर में 942, 944, 946 में 3 नंबर के एरिया में पानी बिल्कुल नहीं आ रहा है. और पानी बिल्कुल हफ्ते में 3 दिन भी मुश्किल से आ रहा है. 2 मिनट पहले आकर के पानी बंद हो जाता है, उसके बाद में बिल्कुल पानी नहीं आते हैं. ये तो राजेश हमारा पंजाणी ने बोरिंग करके दे दिया, तो उसमें से हमारा घर का काम चल रहा है. टोटली 3-4 बैरक का काम चल रहा है, नहीं तो बहुत पानी की तकलीफ है. आपकी जुबान हमारी आवाज, देखते रहिए मेरा उल्लास. सिंधी समाज के प्रमुख नेता स्वर्गीय श्री चोइतराम गिदवानी के जयंती के अवसर पर विभिन्न संस्थाओं ने ओटी सेक्शन कैंप 4 में स्थित उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया तथा उनके जीवन पर प्रकाश डाला. श्री चोइतराम गिदवानी एक ऐसे नेता थे जिन्होंने सिंधी समाज को अधिकार दिलाने के लिए अपनी आवाज़ बुलंद की थी, इसलिए उन्हें गरजने वाले शेर की उपाधि दी गई है. आज ऐसा 4 नंबर जे ओटी सेक्शन में सिंध जे गजंदड़ शेर डॉक्टर चोइतराम गिदवाणी जे स्मारक जे पासे में बीठा आज. असाजे डॉक्टर चोइतराम गिदवाणी साहबन जो जन्मदिन असा साल में 2 दफा जो इतने अची कर उनके जन्मदिन ए वर्सी के ढीह से कठा थन्दा इन पुतले की जो है देखभाल जसो पैंजो फर्ज समझी करण घुर्जे वह सही ढंग से नथी कई वे सजे कार्य जो जो है इनिशिएटिव असो माधव चेटवाणी विजय रूपचंदाणी साहब सीनियर सिटीजन जहा मुख्य जे बानीकार वा हर साल जो है 2 दफा अड़ो सुठो प्रोग्राम असो डॉक्टर चोइतराम गिदवाणी आज़ादी के जंग में जो है बहरो वरतो असा के खास करे सिंधी समाज के जो हक वास्ता मिलन खपन उन जी तोड़ कोशिश कई जै करे असा के अज उल्लासनगर पैं हथ में आ सजे हिंदुस्तान में उल्लासनगर में सिंधी की आबादी वद में अदा जिते जो है असा गड़जी कड़ी भी कम्युनिटी जहाँ मानू हुजों सभी से गड़ी कर रूं था पाया उनके बुधायल जो है राह हलूँ था पाया अड़े असाजे डॉक्टर चोइतराम गिदवाणी जन के जो है कोटि कोटि प्रणाम. जय झूलेलाल. सिंधियों जो गजंदड़ शेर डॉक्टर चोइतराम गिदवाणी जै सिंधियों के सुखो सताबो कयो अज जो सिंधी दिसो था सुखे सताबा पैं जगह मिल्कतियों वो इन साहब के करे हैं ये सरकार से वेड़ी के अस क्लेम पास कराया असा तो बार हुआस अ त अज उन जन्मदिन है इन जो पुतलो चौथा ओटी में लगल है जिसे अस हाँ आया हूँ पर एक गाल चाहुस त सिंधी जो असो पुतलो जो है उन ख्याल कर वे पर सभी जो शुक्रगुजार आया जो पैं कीमती टाइम कड़ी कर इतने आया हो असि हिम्मत अफजाई कई अव उम्मीद है तो अगत भेर सहकार दींदा रहा. जय झूलेलाल. आपकी जुबान हमारी आवाज, देखते रहिए मेरा उल्लास. स्वर सम्राट पद्मश्री मोहम्मद रफ़ी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में टाउन हॉल में एक संगीतमय कार्यक्रम का आयोजन किया गया जहां विभिन्न गायकों ने आकर रफ़ी साहब के गीत गाए. यह कार्यक्रम मोहम्मद रफ़ी फैन क्लब की तरफ से आयोजित किया गया. Hey.
रफ़ी फैन क्लब उल्लासनगर में एक जाना माना हुआ नाम है। आज करीबन 20-22 साल से रफ़ी फैन क्लब रफ़ी साहब के जन्मदिन और वर्षी का दिन मनाती हुई आ रही है और इस टाउन हॉल में उसे रखती है। लोग हज़ारों की तादाद में आते हैं, 1000-1200 यहाँ हॉल में बैठे रहते हैं, उससे ज़्यादा लोग बाहर भी रहते हैं और डायरेक्ट रिले होता है जो टीवी पर भी लोग देखते हैं। तो हमारे डॉक्टर साहब और पूरी टीम जिसमें हमारे पूरन गुरु जी हैं, उनके दादाजी भी गाते थे, इनके पिताजी बहुत अच्छा गाते थे, ये भी गाते हैं, मैं भी गाता हूँ, लेकिन मेरे दादाजी भी गाते थे, मेरे पिताजी भी गाते थे। आज करीबन उसको रफ़ी साहब को 37 साल हुए, आज उनका 92nd बर्थडे है, उस उपलक्ष्य में आज का प्रोग्राम रखा है। बहुत सिलेक्टेड चुनिंदा गाने जो हैं वो हमारे डॉक्टर साहब चुनते हैं, वो और हम सब उस पर रियाज करते हैं, रियाज करके यहाँ पर आके परफॉर्म करते हैं। रफ़ी साहब के बारे में क्या कहें, उनकी गायकी के बारे में क्या कहें, उनकी शख्सियत के बारे में क्या कहें, जितने बड़े वो गायक थे उससे कहीं बोलते हैं ज़्यादा बड़े अच्छे इंसान थे। ये रफ़ी फैन क्लब जो हमारा है वो रफ़ी साहब को साल में 2 बार याद करते हैं, एक उनकी पुण्यतिथि पर और दूसरा उनका जो बर्थडे रहता है 24 जो कल हो गया। तो इस तरह हम लोग रफ़ी साहब को श्रद्धांजलि देते हैं, उन्हीं की गीतों से कोशिश करते हैं कि अच्छे से अच्छा रफ़ी साहब, वहाँ तक तो कोई नहीं पहुँच सकता, रफ़ी साहब जैसे गा चुके हैं वहाँ तक कोई नहीं पहुँच सकता, लेकिन एक हमारी कोशिश रहती है कि जितना हो सके एक श्रद्धांजलि के तौर पर रफ़ी साहब को हम लोग याद करते हैं। आपकी जुबान हमारी आवाज़, देखते रहिए मेरा उल्लास। रेडक्रॉस सोसाइटी में आए दिन विभिन्न कैंपों का आयोजन किया जाता है। इस बार स्वर्गीय सखावत चोटवानी की स्मृति में थायराइड और ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया। आज हमारे दादा श्री सखावत चोटवानी की बरसी है, 25 दिसंबर। हर बरस 25 दिसंबर में रेड क्रॉस में ब्लड डोनेशन और कैंप्स का आयोजन किया जाता है, मेडिकल कैंप्स का। आज ब्लड डोनेशन कैंप है, थायराइड टेस्ट है और प्री डायबिटीज़ चेकअप और ब्लड प्रेशर चेकअप की कैंप लगाई गई है। अच्छा रिस्पांस चल रहा है, अभी तक कैंप चल रही है। मैं सब न्यूज़ वालों का आभार भी हूँ जो हमेशा हमारी न्यूज़ आप तक पहुँचाते हैं, वो आपका सहकार भी रहता है, आप लोग आते हैं। मैं ब्लड डोनर्स का शुक्रगुजार हूँ जो हमेशा बम्बई से कहीं भी यहाँ से उल्लासनगर से शिफ्ट हो जाते हैं, फिर भी यहाँ 25 दिसंबर को रक्तदान करने के लिए आते हैं। मैं उनका बहुत आभारी हूँ। थैंक यू ऑल द ब्लड डोनर्स, थैंक यू सो मच। आपकी जुबान हमारी आवाज, देखते रहिए मेरा उल्लास। जीवदया संस्थान की तरफ से लेजर ऑपरेशन का आयोजन किया गया है। ये ऑपरेशन विशेष रूप से उन युवतियों के लिए है जिनकी निकट भविष्य में शादी होने वाली है, क्योंकि इस ऑपरेशन से उनकी नजर का चश्मा उतर जाता है। Thank you.
This is a lazy camp. We've been sponsoring every year for these girls, young girls, who are wearing glasses with a number from 3 to maybe 8 or 9. And all I can say, I'm very glad that this operation has been done here in this hospital through our very good friend, Dr. what you call Sanjeev Balani, whom I've known since about 5, 6, 7 years. And all I can say that I'm very, very satisfied the work you've been doing. And the result I've seen is 100%. And all I can say, you know, God bless me and all of you bless me. So at least I can still continue to do what I've been doing now. Thank you. हमारा ये जो लेजिक कैंप हर साल होता है, जो जीव दया संस्था हमारे दादा कान लखानी के स्पॉन्सरशिप से हम करते हैं एवरी ईयर, और इस साल भी हमने किया है। 30 पेशेंट्स ऑलरेडी हमने रजिस्टर कर लिए हैं और भी करेंगे, और आगे भी ये अच्छा काम हम करते रहेंगे जब तक दादा के ब्लेसिंग्स, जीव दया संस्थान का कोऑपरेशन और ब्लेसिंग्स रहेंगे, हम ये काम हमेशा करते रहेंगे। आपकी जुबान हमारी आवाज़, देखते रहिए मेरा उल्लास। कमला नेहरू नगर धोबीघाट परिसर में नन्हे मुन्ने बच्चों ने झाड़ू हाथ में उठाकर परिसर की सफाई की। उनका कहना है कि इस बाल स्वच्छता अभियान को वे निरंतर जारी रखेंगे। समय में हम सभी लोगों ने मिलकर ये योगदान किया है। हमने समाज के लिए अपनी बेहतरी दिखाते हुए हमारे यहाँ के धोबीघाट उल्लासनगर के एक नंबर के बच्चों लोगों ने जो आज सराहनीय काम किया है, आज हम लोग उसके लिए, और आज इनका दिन है। मैं बताना चाहूँगा कि इस बच्चे ने बहुत ही मेहनत की है, जिसने अपनी एक टीम बनाकर, जैसे झाड़ू के टुकड़े बिखरे होते उसे एक जोकड़ कर एक टीम बनाई, और उस टीम के जरिए आज उन्होंने एक अच्छा सराहनीय काम किया है, जिसके लिए आज हम यहाँ पर खड़े हैं और शायद आप हमारी इस बात को आगे बढ़ा रहे। हमें बहुत खुशी हो रही है कि हम बच्चों में ये वो आए, उत्साह आए, तो इसलिए हम ये हरदम करते रहेंगे। और जो हाँ, और 26 जनवरी को तो हम इस और इससे बड़ा करेंगे। तो मैं आपका भी शुक्रिया अदा करता हूँ, मेरा उल्लास चैनल, जिन्होंने हमारी इस मुहिम को आगे बढ़ाने की कोशिश की है। और मेरा समाज के लिए एक ही बेहतरीन है, अगर आप कुछ कर नहीं सकते तो प्लीज़ इन बच्चों को या आने वाले कल को, जो हमारी आने वाली नस्लें हैं जो काफ़ी फास्ट है, उन्हें आगे बढ़ाने के लिए सपोर्ट करें, और मैं दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि हम मेरे साथ दोस्त लोग ने ये सब काम किया। और आपको कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है ना? आपकी जुबान हमारी आवाज, देखते रहिए मेरा उल्लास। हर इंसान को स्वस्थ रहना बेहद जरूरी है, इसलिए हर एपिसोड में हम आपको बताते हैं कुछ आसान उपाय जिससे आप खुद को स्वस्थ और फिट रख सकते हैं। आइए मिलते हैं योग विशेषज्ञ से, जो आपको दे रहे हैं हेल्थ टिप्स। मैं डॉक्टर राम शेतानी, आज नींद की समस्या पे कुछ बातें करना चाहूँगा। नींद की समस्या बहुत सारे लोगों से जुड़ी हुई है, जिनको नींद की तकलीफ है, आए दिन उनको गोलियाँ खानी पड़ती है। गोली खाने से तो उनको थोड़ा आराम मिल जाता है, लेकिन वो आदत बढ़ती जाती है, वो डोज बढ़ते जा रहा है। बगैर गोली की जो नींद है वो सबसे अच्छी नींद है, पूरे शरीर को चुस्त और फुर्त रखती है। अब समस्या ये है कि बगैर गोली हम कैसे जी सकें, कैसे उनको परिवर्तन कर सकें, अपने जीवन शैली कैसे जी सकें, उसकी कुछ घरेलू टिप्स अब मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। सबसे पहले जो आपका जो रूम का वातावरण है साफ होना चाहिए, और आपके जो रूम की दिशाएँ हैं, चार दिशाएं होती है, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, और जो नींद करने का जो सिलसिला है, सोने का जो तरीका है, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। आपका जो सर है दक्षिण की तरफ और पैर उत्तर की तरफ, ये होना चाहिए, उससे बहुत अच्छी गहरी नींद आएगी आपके। अगर वो आपको कुछ पॉसिबल न लगे तो दूसरा तरीका भी है, आपका सर पूर्व की तरफ और पैर पश्चिम की तरफ होना चाहिए, इससे भी आपको काफ़ी अच्छी नींद आएगी। एक ये टिप नंबर वन है। टिप नंबर दूसरा, एक बाल्टी गर्म पानी की, उसमें थोड़ा सा जाड़ा नमक डाल दें,
अपने दोनों पैर उस बाल्टी में डालकर रख दें 10 मिनट तक। 10 मिनट के बाद एक अच्छे से तौलिए से पोंछ कर साफ कर लें। गाय का घी जो बेहतरीन होता है उससे पैर के तलों को अच्छी तरह मालिश कर लें, उससे भी आपको अच्छी नींद आएगी। टिप्स नंबर 3, अपने नौवी में सरसों का तेल की कुछ बूंदें डालें, उसके बाद में कॉटन थोड़ा रख दें, कॉटन के ऊपर एक पेपर टेप आती है वो लगा दें, उससे भी आपको काफ़ी अच्छी नींद आएगी। टिप नंबर 5, नाक में गाय का घी की दो बूंदें डालने से काफ़ी अच्छी नींद आती है, साथ में उससे खर्राटे भी बंद हो जाएंगे। टिप्स नंबर 6, जो ये हमारा जो कान है, कान के पीछे यहाँ पे इस जगह पे दोनों जगह पे अगर विक्स लगा देंगे, विक्स का थोड़ी सी मालिश करेंगे, उससे भी अच्छी नींद आएगी। टिप नंबर 7, कि एक गिलास गाय का गर्म दूध में एक चम्मच गाय का घी डालकर पिए, उससे भी काफ़ी अच्छी नींद आएगी। अपने सर पे मालकंगनी के तेल की मालिश करें, उससे भी काफ़ी अच्छी नींद आ सकती है। अगर उसमें उसके बावजूद में भी हम सहारा लेते हैं थोड़ा मेडिटेशन का, दिन में थोड़ा मेडिटेशन करें, जब नींद नहीं आए उस वक्त भी मेडिटेशन कर सकते हैं, बुक पढ़ सकते हैं, अच्छे से किताब पढ़ सकते हैं, हल्की सी म्यूज़िक सुन सकते हैं, उससे आपको नींद आनी ही है, अच्छी नींद आनी ही है, चैन की नींद सो ही सकते हो आप। धन्यवाद। आपकी जुबान हमारी आवाज़, देखते रहिए मेरा उल्लास। तो बस आज के लिए इतना ही, वक्त आ गया है आपसे विदा लेने का, लेकिन इस वादे के साथ कि फिर से होगी आपसे मुलाकात मेरा उल्लास के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए धन्यवाद। धर्म और संस्कृति से बना अपना ये समाज, संतों की कृपा से बढ़ा आस्था विश्वास, व्यापार उद्योग ने किया एक नया आगाज, इसलिए ये शहर है बना दुनिया भर में खास। मेरा उल्लास, मेरा उल्लास, मेरा उल्लास, मेरा उल्लास। शहर से जुड़ी हर खबर में देंगे आपका साथ, प्रशासन तक पहुंचाएंगे आपकी आवाज, एकता भाईचारे का हो सदा एहसास, हम सब मिलके करेंगे शहर का विकास। मेरा उल्लास, 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 मेरा उल्लास। आपकी जुबान हमारी आवाज़, देखते रहिए मेरा उल्लास।